जब जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो खतरा है वो शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी छोड़ हिंदू धर्म यहां पर अपना रहे हैं। जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि पहले से ही अटकलें इस बात की लगाई जा रही थी, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो है पूर्व चेयरमैन रह चुके वसीम रिजवी इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म यहां पर अपनाने जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत उन्हें पूरे रीति रिवाज से हिंदू धर्म ग्रहण करवाएंगे। जानकारी के मुताबिक रिजवी आज सुबह 10:30 बजे गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में हिंदू धर्म ग्रहण करेंगे। तो वसीम रिजवी ने कुछ दिन पहले ही अपनी वसीयत जारी की थी, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि उन्हें दफनाया ना जाए बल्कि हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार उनका किया जा सके। जी हाँ, जिस तरह से कई बड़े बयान वसीम रिजवी के जरिए सामने अब तक आ चुके हैं, हिंदू धर्म की हमेशा से वकालत करते रहे हैं और ऐसे में अब हिंदू धर्म को पूरे रीति रिवाजों के साथ वो अपनाने के लिए जा रहे हैं। और आज ये तारीख यहाँ पर वक्त तय की गई है। विक्रांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर मिल रही है? क्या ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर नजर आएगा आज? देखिए, जो जानकारी मिली है, वसीम रिजवी आज 10:30 बजे डासना देवी मंदिर में पहुंचेंगे। शिव शक्ति धाम डासना गाजियाबाद में है, वहां पर यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज जो है वो उन्हें सनातन धर्म स्वीकार करवाएंगे। 10:30 बजे के करीब ये प्रक्रिया शुरू होगी। और आपको याद होगा कि वसीम रिजवी ने अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 21 आयतों को लेकर के एक याचिका भी दाखिल की थी। उनका ये कहना है कि उसके बाद से लगातार उन्हें जो कट्टरपंथी है उनकी तरफ से धमकियां मिल रही थी। ये तक कहा गया उनको कि उन्हें कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी बनने के बाद, तो उन्होंने ये कहा था कि वो कब्रिस्तान में दफन होना भी नहीं चाहते और जब भी उनका अंतिम तो उनकी मृत्यु हो तो उनका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के मुताबिक किया जाए। आज वो रीति रिवाज के साथ सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं और 10:30 बजे के करीब गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर में ये पूरा आयोजन होगा। बिल्कुल विक्रांत, देखिए कट्टरवादी सोच के निशाने पर वो हमेशा से रहे हैं। कई धमकियों के बारे में खुद भी उन्होंने खुलेआम यहाँ पर जिक्र किया है कि किस तरह से उन्हें धमकियां दी जाती रही हैं, क्योंकि वो हिंदू धर्म के एक बड़े सपोर्टर हैं, क्योंकि वो इस्लाम के अंदर जो मौजूद उनके हिसाब से खामियां हैं वो बताते रहे हैं, जिसका गलत इस्तेमाल उनके हिसाब से लोग कट्टरवादिता के लिए करते हैं। क्या कुछ अब आपको लगता है कि आज हिंदू धर्म अपनाने के बाद वो किस तरह से सोच के और निशाने पर आ जाएंगे? के विचार रहे हैं और कई ऐसे मामले रहे हैं जिस पर उन्होंने खुलकर अपनी बात कही है और इसी कारण वो जो कट्टरपंथी समाज है उनके निशाने पर भी रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, हालांकि वो याचिका खारिज हुई, लेकिन उसमें उन्होंने कहा था कि कुरान की 21 आयतों को चुनौती दी थी और ये कहा था कि उनको उनमें बदलाव किया जाना चाहिए। उसके बाद से ज्यादा उन पर धार्मिक हमले होने लगे और ये कहा जाने लगा कि वो एक राजनीतिक दल विशेष के कहने पर इस तरीके की बातें कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो आपराधिक मामले दर्ज है उनसे बचने के लिए वो इस तरीके की दलीलें दे रहे हैं। हालांकि वसीम रिजवी का कहना है कि वो किसी भी अपने अपराध जो उनके खिलाफ मामले दर्ज है उनका इससे कोई लेना देना नहीं है और जो उनके विचार हैं वो सबके सामने रखना चाहते हैं और आज इसी कारण वो जा रहे हैं डासना देवी मंदिर, जहां पर गाजियाबाद का ये मंदिर है, और वहां पर वो सनातन धर्म अपनाने की प्रक्रिया करेंगे। चलिए आप नजर बनाए रखिएगा, शुक्रिया विक्रांत, आगे भी अपडेट आपकी तरफ लेते रहेंगे और दर्शकों तक इस खबर से जुड़ी जानकारी पहुंचाते रहेंगे।